हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो चलिए, जैसा कि हम देख रहे थे आकृतियाँ, और इसके पहले हमारे 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। कल मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, काफ़ी बच्चों के सही हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ये सबसे ज़्यादा टफ पार्ट है इसका, मतलब इससे ज़्यादा टफ आकृतियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो आज ये फिर मिक्स है, हमने जो पार्ट में पढ़ा, पहले हमने त्रिभुज पढ़ा, फिर वर्ग पढ़ा, फिर आयत पढ़ा और सरल रेखाएं पढ़ी। इन सभी का आज मिक्स हम करने वाले हैं, तो ये सभी का एक कंबाइंड वीडियो है। अगर बात की जाए तो ये पार्ट हमारा 4 का हल है, इसे हम पार्ट 5 भी कह सकते हैं। जो पार्ट 4 में मैंने क्वेश्चन दिए थे उसका यहाँ पे हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए, बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं, सही भी है आंसर, कुछ के गलत भी हैं, लेकिन आपने प्रयास तो किया, ठीक है। तो चलिए, आप अपने आंसर मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर एक पे हमने क्या बोला था? प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पे क्या बोला था? आपको यहाँ पे वर्ग काउंट करना था। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में, हाँ, ये अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, फिर क्वेश्चंस दिए थे। तो आप सभी आकृतियों के वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने बोला वर्ग, पहले और दूसरे प्रश्न में वर्ग निकालना था। अब इसमें वर्ग कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या बोला था, वर्ग काउंट करने के लिए कैसा है, यह सममिति आकृति है, मतलब कि रॉ इक्वल कॉलम वाला है। तो देखिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, मतलब रॉ और कॉलम इक्वल है इसमें, ठीक है ना। तो हमने रॉ और कॉलम की आकृति पहले इनको काउंट कर लेते। हमने क्या बोला था, पहले नॉर्मल डायग्राम को सॉल्व करिए। तो पहले इन सब डायग्राम को आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप निकालिए 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब ये कैसे कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो में पहले देख चुके हैं। 1 2 3 4 5 हैं और 5 हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्ग निकालने के लिए इनके स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर सभी को पता होगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इनको ऐड करिए। तो 25 और ये हो गया 16 और 9, ये भी हो गया 25। तो 25 25 50 50 4 54 1 55, इनका योग हो गया 55। 55 यहां तक हो गया, ठीक है, 55 यहां तक हो गया, नॉर्मल इनको मैंने 55 कर दिया। अब हमारी क्लास को याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप की आकृति बनती है वर्ग में, इस टाइप की आकृति बनती है वर्ग में, तो आप बताओगे कि इसमें कितने वर्ग बनते हैं, इसमें 5 बनते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे इस तरह की आकृति कितनी बन रही है। तो देखिए, 1 2 3 4, इस तरह की आकृतियां कितनी बन रही हैं, 4। अब इसमें कितने होते हैं वर्ग, तो आप बोलोगे सर इसमें 5 होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और एक ये बड़ा वाला 5, क्योंकि जब अकेले देखते हैं। लेकिन जब हम इन सबको भूल के केवल कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा वाला है ये काउंट हो चुका है किसमें, ये 55 वाले में। ये बड़े वाले सभी काउंट हो चुके हैं किसमें, यहाँ जब हमने इनका वर्ग किया है, कि बड़े वाले कॉलम सब हो चुके हैं काउंट, ये जो बड़े वाला है। तो बचे कितने, तो इनमें बचे हैं 4 4, कितने बचे, 4 4, क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 और ये जो बड़ा वाला है तो ये काउंट हो चुका है किसके साथ, 55 के साथ काउंट हो चुका है। यहीं पे आप गलती कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे 4, ये वाली आकृति में 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 4, मतलब 4 4 के कितने, तो ये वाली का 4, ये वाली के 4 8, ये वाली 4 12 और ये वाली 4 16, ठीक है ना। तो प्लस आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस 16, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लास में, क्या बताया था, अगर इस तरह की आकृति है, ये इस तरह की अगर आकृति है, तो आप तो इसमें 5 बताते थे, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे जोड़ देते थे, अंदर एक और वर्ग बना देते थे, तो यहाँ पे कितने हो जाते थे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाते थे 6, क्योंकि एक ये बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, दूसरा कौन सा, और 4 ये छोटे वाले, 1 2 3 4 छोटे वाले, एक बड़ा वाला, 5 तो नॉर्मल इसमें थे, 5 किसमें, ये वाले डायग्राम में 5 थे, 5 तो इस डायग्राम में आते थे, और छठवा ये वाला हो गया, तो इनमें 6, इस प्रकार के डायग्राम में 6। तो इस प्रकार का डायग्राम 1 2 3 4 और 5, इस तरह के डायग्राम कितने हैं, 5। लेकिन इसमें भी देखिए, बड़ा वाला काउंट हो चुका है, ये जो बड़ा वाला है ये काउंट हो चुका है, मतलब इसमें ये काउंट हो चुका है किस पे, हो चुका है काउंट, ये 55 वाले पे काउंट हो चुका है, यहाँ से 55 वाले, तो मतलब एक एक कम सभी में।
तो मतलब कितने, अब इसमें बहेंगे ये वाले चित्र में बचेंगे 6 की जगह कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, और ये बीच वाले से भी कितने, ये वाले से भी कितने, 5। तो आप देखिए 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, प्लस 25 करिए, प्लस 25 अब निकालिए, टोटल क्या हो जाएगा, 55 और 25, 55 और 25 हो जाएगा 55 5 60, 20 80 और 16 96, जिसका 96 आता है उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है 96, क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर है 96। कितने वर्ग बनेंगे, 96 वर्ग बनेंगे, ठीक है। तो चलिए जिसका सही आया है तो कंग्रेचुलेशन, जिसका गलत आया तो अब देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया था मैंने, दूसरा प्रश्न ये वाला दिया था, और ये भी मोस्टली बच्चों के गलत है, यह प्रश्न भी मोस्टली बच्चों का गलत है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वर्ग निकालना है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये भी कैसा है, रो इक्वल कॉलम, तो वही करेंगे, क्या करेंगे इसमें भी, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इनको जोड़िए 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो देखिए 16 4 20 29 1 30, यहाँ तक तो 30 हो गए, ये वाले कॉलम इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, केवल यहाँ से लेके ये वाला कितना हो गया, 30, 30 हो गया यहाँ तक, सभी को पता है दिख रहा है 30 यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब 30 होने के बाद देखिए इसको नाम दे देंगे हम 31, इसको नाम दे देंगे 32, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 34, और बच्चों ने कर दिया 34, मोस्टली बच्चों ने 34 किया है। तो आप ये बताइए, एक ये भी तो वर्ग बन रहा है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके इसमें एक और वर्ग बन गया है, ये वाला, ये बड़ा वाला भी तो बन गया है, और यही बच्चे गलत किए हैं, एक ये बड़ा वाला वर्ग बन गया है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला हो गया 35, और इसी तरह इसमें भी एक बड़ा वाला बन गया वर्ग, ये वाला, ये वाला एक बड़ा वाला वर्ग बन गया है, तो इसकी हो गई 36। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, 36। सेकंड का जो है प्रश्न नंबर जो दो है, प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो का आंसर है 36। आप देख लीजिएगा आप गलती कहाँ पे किए हो, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीन की ओर। प्रश्न नंबर तीन को देखेंगे, जो आकृति हमने तीन दी थी इसमें क्या गलती किया था, मैंने क्या बोला था, पहले आप चित्र को भूलना सीखिए। तो अगर ये बताइए, अगर हम इसको भूल जाएं, ये वाला चित्र अपने दिमाग में ही भूलेंगे और इसको अगर मिटा दिया जाए, तो नॉर्मल इस तरह का हम सॉल्व कर चुके हैं, कर चुके हैं ना सॉल्व, बिल्कुल कर चुके हैं। कैसे सॉल्व कर चुके हैं, तो हमने क्या बोला था, इनके कॉलम गिनते 1 2 3, तीन स्टेप हैं, तो हमने क्या किया था, 1 2 और 3 लिखा था, उसके बाद क्या कर रहा था, इसका हमने लिखा 1, फिर 1 में 2 जोड़ा हमने आया 3, और फिर 3 में 3 जोड़ा हमने तो कितना आया 6। अब इनको सबको जोड़ देंगे तो 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करना है नीचे वाले को छोड़ के 1, तो 6 को छोड़ देंगे, 3 को ले लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 13 तो इसमें हो गया। अब देखिए उसके बाद ये भी तो है, ये भी तो है आपके डायग्राम में, ये चित्र भी तो बना हुआ है, ये चित्र भी बना हुआ है, तो 13 तो यहाँ तक हो गए। अब ये वाला जो हो गया आपका 14, ये वाला हो गया त्रिभुज 15, ये वाला हो गया त्रिभुज 16, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा आपका 17, ये बड़ा वाला हो जाएगा 17। तो इसमें त्रिभुज की संख्या, जो थर्ड नंबर है आपका, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17, ठीक है ना। ऊपर वाले दो प्रश्नों में वर्ग पूछा था और ये तीसरे और चौथे में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। प्रश्न नंबर तीन का आंसर हो जाएगा 17। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 4। इसमें भी मैंने त्रिभुज काउंट करने के लिए बोला था, तो देखिए हमने क्या बोला था, इस तरह की आकृति होगी तो त्रिभुज काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नंबर लिख लेंगे, तो नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब त्रिभुज निकालने के लिए क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का 2 से, 8 2 16, इस तरह की आकृति में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद मैंने बताया था जहां पे त्रिभुज की इस तरह की आकृति बनेगी, हमने क्या बताया था, ऊर्ध्वाधर वाला, पहले वीडियो में था,
ऊर्ध्वाधर वाला ये हो गया एक और ये हो गया दो, और एक दो को हम जोड़ देंगे, दो प्लस एक कितना आ जाएगा, तीन त्रिभुज निकलते हैं भाई। एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये बड़ा वाला, तीन। तो देखिए यहाँ भी सेम आकृति बन रही है उसी तरह की, तो यहाँ पे आ जाएगा तीन, यहाँ पे भी उसी तरह आकृति बन रहा है, बन रही थी, यहाँ पे भी आ जाएगा तीन, यहाँ पे भी उसी तरह आकृति बन रही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा तीन, और यहाँ पे भी आ जाएगा तीन। तो कितना हो जाएगा, 16 तो यहाँ हो गया था, उसके बाद ये हो जाएगा 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28। तो आप इसमें 16 में कितना जोड़ दीजिए, 3 6 12 जोड़ दीजिए, 12 आप जोड़ दोगे तो 6 2 28। प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा 28, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है 28। अब आप देखिएगा आप गलती कहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है, और प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 9 और 11। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 5 में भी मैंने पूछा था वर्ग कितने होंगे, तो हमने क्या किया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हमने टोटल किया था, और 4 का हमने क्या निकाला था, अभी इन सब आकृतियों को आप भूल जाइए। तो आपने क्या किया था, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और डायरेक्टली स्क्वायर ही लिख दिए। अब चलिए 4 का हुआ था 16, और इसका 3 का हुआ था 9, और 4 और 1, तो हमने टोटल किया था 16 9 25 4 29 30, टोटल वर्ग आ गए थे यहाँ से 30, टोटल ये वाले का। ठीक है, टोटल। उसके बाद हमने क्या किया था, ये वाली आकृति में देखा था 31 32 33 34, 34 यहाँ तक आ चुका था। उसके बाद एक ये हमने निकाला था 35, और एक ये निकाला था हमने 36, तो 36 तो पिछली आकृति में 36 तक आ चुका था ना। अब देखिए क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये आकृति में कितने बनते हैं, तो आप बोले थे सर 5 बनते हैं, लेकिन हमने क्या बोला, ये वाली काउंट हो चुकी है बड़ी वाली, तो कितने बनेंगे यहाँ पे, 4 बनेंगे, तब 4 ले लीजिए, तो यहाँ पे 4, उसका दूसरा प्लस कहाँ है, यहाँ पे 4, तीसरा प्लस कहाँ है, यहाँ पे 4, और चौथा प्लस कहाँ है, यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई वर्ग नहीं बन रहा, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे कोई वर्ग नहीं बन रहा ये वाले स्थानों पे। तो अब यहाँ पे कितने हैं, तो देखिए 4 4 8 4 12 4 16, यहाँ से आप ले लीजिए कितने, 16, 16 जोड़िए, तो 6 6 12 की 2, हासिल 1 3 1 4 1 5, आंसर होगा 52। पांचवे का आंसर है 52। ठीक है ना, पांचवे का आंसर है 52, ये आपको देखना है। अब इसमें बताना था क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आयत, क्या बताना था आपको, आयत, तो बहुत इजी था, हमने क्या बोला था, इसको लिखिए 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 2 और 3, हमने क्या बोला था, इनको जोड़िए, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इनका जोड़ आया 15, उसके बाद 3 2 5 1 6, इसका जोड़ आया 6, कुछ नहीं, 15 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 छक्का 90, 90 आपका आंसर होगा, क्या आयत, 90 आयत होंगे, प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा 90। अब प्रश्न नंबर 9 में हमने क्या बोला था, इसमें कितने आयत हैं, आयत निकालने थे, तो देखिए यहाँ पे लिखिए आप 4 3 2 1, उसके बाद लिखिए 2 3 और 4, फिर 3 2 और 1, टोटल करिए 4 3 7 2 9 1 10, इसका योग हो रहा है 10, उसके बाद इसको लिखिए 1 2 1 3 3 6 4 10, इसका योग भी 10, और इसका 4 3 7 2 9 1 10, इसका योग भी 10। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आ रहा है 30 30, आ रहा है 30, यहाँ से 10, यहाँ से 10, लेकिन देखिए ये वाला दो बार काउंट हो रहा है, इस वाले में भी काउंट हो रहा है, इस वाले में भी काउंट हो रहा है, एक यहाँ से ये वाला घट जाएगा, दूसरा ये वाला भी, इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है, तो ये दो हो जाएंगे माइनस, तो 30 में से माइनस 2 कर दीजिए, टोटल आएगा कितना 28, 28 28, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 28, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 28। अब चलते हैं ये वाले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कुछ नहीं करना आपको, लिखना है क्या बताना था, इसमें भी आयत 1 2 3 4, उसके बाद लिखिए 1 2 3, इसमें भी लिखिए 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, इनको सबको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, इसका योग 10, 3 2 5 1 6, इसका योग 6, इसका भी योग 10, और इसका भी योग 6, तो 10 6 16, 10 6 16 दूनी 32, 32 तो यहाँ से हो गए आपके,
32 तो यहाँ से हो गए, ठीक है ना, 32 तो ये वाले आयत निकल आए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक ये वाला प्लस 1, 33 हुआ, कितना हुआ 33। उसके बाद देखिए एक ये वाला हुआ 34, एक ये वाला हुआ 34। उसके बाद देखिए एक बड़ा वाला हुआ ये वाला 35, एक ये बड़ा वाला हुआ 35। उसके बाद यहाँ से उठाइए, देखिए यहाँ से एक ये वाला हुआ ये वाला, यहाँ से ये वाला कितना हुआ 36। उसके बाद देखिए यहाँ से एक ये वाला हुआ, ये वाला कितना हुआ 37। अब उसके बाद देखिए एक यहाँ से ये वाला हुआ, यहाँ से ये वाला हुआ, कितना हुआ 38। टोटल कितने हुए 38। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है 38, ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है 38। उसके बाद सभी ने आंसर दे दिया था, सरल रेखा वाला इजी था, हम आंसर आपको बताए दे रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, उसका आंसर था 15। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था 15, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था 15, मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर था 15 और प्रश्न नंबर 14 का आंसर था, 14 का क्या आंसर था, तो 14 का आंसर था 13, 14 का आंसर था 13, ठीक है ना। ये उत्तर है, उत्तर उत्तर। प्रश्न नंबर, ये प्रश्न है और ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 का आंसर 15 और 14 का आंसर 13। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखिएगा आप गलती कहाँ पे कर रहे थे, बहुत इजी है, अब इससे ज़्यादा टफ आपके पेपर में नहीं आने वाला। अगर यहाँ आपने इन आकृतियों से खेलना सीख लिया तो यकीन मानिए ऐसे इसमें इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आ जाएंगे आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरी पूरी 100% गारंटी है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट। अब रीजनिंग में हम अगले टॉपिक में एक अच्छा सा चैप्टर उठा लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। बस आप रीजनिंग की अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, उसके बाद आप मार्केट से कोई भी बुक खरीद लीजिएगा, कोई भी बुक। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप पेपर देके आएंगे कहेंगे वाह पूरे के पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं। रीजनिंग से अच्छा और रीजनिंग से टफ कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अगर रीजनिंग आप एक बार समझ ली, जिंदगी में कभी नहीं भूलती, मैथ्स भूल जाती है लेकिन रीजनिंग के लॉजिक कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए मन से पढ़िए और इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए ना, खेल खेल के पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो यार बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्या जाता है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए, आपने हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और लॉकडाउन का इंजॉयमेंट करते रहिए पढ़ाई करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।